हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं शशि आज आपके लिए देखिए ये खसखस और मखाने वाला दूध बताऊंगी कैसे पीना है। और ये खसखस और मखाने वाला दूध पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे शरीर में जो थकान है, कमजोरी है और जैसे नींद ना आती हो कभी कभी, तो ये दूध हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये दूध का इसमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए, एक गिलास दूध में एक मुठ्ठी ये मखाने और ये एक चम्मच खसखस, इसे हम ये दूध के साथ उबाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक गैस में भगोनी रख दी और इसमें मैं ये एक गिलास दूध डाल दूंगी और दूध हम गर्म होने देंगे थोड़ा सा। तो देखिए दूध उबल गया है, इसमें हम ये एक चम्मच खसखस डाल देंगे। और ये खसखस में भी काफ़ी प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और ये देखिए एक मुट्ठी मखाने हैं ये लगभग एक गिलास दूध के हिसाब से, और इसमें भी मखाना में भी काफ़ी सारा पोटेशियम, प्रोटीन, कैल्शियम पाया जाता है। और ये दूध हमें गाय का ही दूध लेना है, गाय के दूध में ये मखाने खसखस पका के पीना है। और ये डायबिटीज़ वालों के लिए, जिसके शरीर में दर्द हो और थकान महसूस हो, कमर दर्द हो, उसके लिए ये दूध बहुत फ़ायदेमंद है। और ये दूध हमें रात को सोने से पहले एक घंटा पहले पीना चाहिए और दिन में नहीं इसका प्रयोग करना चाहिए। शाम को या तो 4 से 5 बजे के बीच हमें ये दूध पी लेना चाहिए, और या फिर रात सोने से एक घंटा पहले खाना खाने के बाद ये दूध हमें पीना चाहिए, ताकि रात में हमें नींद भी अच्छी आए और थकान, कमर दर्द, जो भी हमारे शरीर की पैन क्रिया हैं, सारी से दूर हो जाती हैं। और ये गाय के दूध में ही मिलाना चाहिए खसखस और ये मखाने। तो आप भी ज़रूर ये दूध बनाइएगा, आप मीठे की जगह इसमें शक्कर डालिएगा और मिश्री वाला शक्कर डालिएगा, और उसके साथ आप हल्का सा, पहले तो अगर इसमें मीठा ना भी डाले तो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये देखिए दूध हमारा पक चुका है और ये हमारे मखाने भी इसमें उबल गए हैं, पक गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस दूध की मेन पॉइंट ये है कि ये शरीर के सारे दर्द, पैन क्रिया जो होती है, सारा दूर करता है। इसलिए आप ये दूध जरूर पिएगा और अपने शरीर की थकावट को दूर भगाइएगा। इसी तरह आप मेरा ये चैनल देखते रहिए दोस्तों, जरूर दूध ये पी लीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।